शांति ओम शांति ओम शांति। जो हमेशा एडमिट पूरा होकर के सर्जरी करा के जाते हैं बाबा के घर में, वो हाथ उठा। कभी कभी आते हैं वो हाथ उठा क्या करें, जब दुख आते हैं तब आते हैं वो हाथ उठा नहीं। फिर कौन सा हॉस्पिटल देने आप सब, यहां भी नहीं जाते वहां नहीं जाते, कभी कभी दवा लगा देते हैं फिर कभी कभी भाग जाते हैं। ऐसे तो नहीं अधूरा ऑपरेशन करने वाला हाथ उठा, जो मुरली के बीच में आते हैं या मुरली के लास्ट में आते हैं तो पट्टी मना ओटी ऑपरेशन भी है। तो इधर परमात्मा के लिए एडमिट होना है, शरीर का बीमारी को दूर करने के लिए नहीं, आत्मा की बीमारी। सभी को बीमारी है या नहीं, नहीं मुझे तो बीमारी है। अब आप लोगों को अगर है हिम्मत मांगो तो डॉक्टर के पास कुछ भी छिपाना नहीं, जो हाथ नहीं उठाया है वह उठा, सबको बीमारी है, सबको बीमारी है। बीमारी कहा, बीमारी कहा, हवा में ही बीमारी हो गया है आजकल। किसी के बैठ जाकर के आप एक बात करो कैसे हो, क्या उतना उमंग उत्साह से आंसर करते हैं कोई नहीं ना। बाबा हम बच्चों को बट्टिया क्यों रखने के लिए सांस इशारा देता है, क्योंकि आत्मा को अपना ओरिजिनल संस्कार को इमोज करता है। आत्मा को इस ब्राह्मण जीवन में अतीन्द्रिय सुख जो है वो अनुभव कराना है। इसीलिए बाबा हम लोगों को क्या कहते हैं, बच्चे पट्टी पर तो कांस ये यहाँ एक तीन दिन करा रहे हैं। ये पट्टी का लक्ष्य होता है पूर्ण रूप से थियरी प्रैक्टिकल का लाभ। तो इस पट्टी के लिए तीन कंडीशन होता है, एक होता है समय पर आना, दूसरा होता है अपनी जगह आज जो ग्रहण किया है उसी जगह पर बैठना है, दूसरी जगह पर नहीं। आज यहाँ बैठे परसों यहाँ बैठे शाम को वहां बैठे कल पीछे बैठे ऐसे नहीं होना है। जो पूर्ण रीति से अपनी जगह जहाँ आज आप बैठा है वहां ही बैठेंगे, वैसे जो निश्चय करते हैं आप, आपको बट्टी का लाभ लेना है तो कंडीशंस को आप फॉलो करना है। पहले भी बोल चुका है एक बट्टी में प्रायोगिक बट्टी होने के कारण आपको जो नियम बोला जाता है उस पर स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आप जहां जहां बैठा है वहां ही बैठ के पूरा बट्टी होने तक आप उसी स्थान पर बैठने से क्या होता है, आपका धरणी जो है वो पावरफुल ओरा जो है वहां आपने जो घंटे घंटे बैठ करके जो आपके अनुभव का शक्ति फैला है उसी जगह पर फिर बैठने से वो कंटिन्यूटी होता है। आप एक दिन यहाँ स्थिति बदलता रहता है। हमारे कौन कौन मोबाइल को भी हम तीन दिन ऑन रखते हैं, छोड़ो जो सेवादारियां है जो पट्टी के लिए ही आए हैं वो हाथ उठाए, पूरा पट्टी के लिए और कुछ काम नहीं ओनली पट्टी। उन्हों को पास हमारा यही रिक्वेस्ट है आप मन का मौन मुख का मौन उठाए। अभी मैं कुछ नहीं कहता हूं लेकिन तरीका ये होता है जो जानने वाले होते हैं ना आसपास है हमारे स्टूडेंट है, जैसे कोई सिनेमा जाता है सर्कस जाता है पार्टी जाता है क्या करते हैं तुम्हारे लिए सीट रखाए आ जाओ, तो रिजर्वेशन मतलब ऐसे है कि आप कौन का हम किसी का याद नहीं आए। भोजन के लिए जाना है तो वो आने तक वेट करना, क्लास में आना है तो वो आने तक वेट कर, पूर्ण रूप से
मेरा बाबा मेरा संसार है, ये इसे अनुभव करना है, अल्फा मौन होना है और किसी के लिए इंतजार में रह करके अपने एक एक सेकेंड जैसे बाबा कैश करेंगे, दूसरों के वेटिंग करेंगे और वो आए। आप सब भी इस पट्टी में एक तीन प्रतिज्ञा करना है, करेंगे सभी करेंगे, हाथ उठाएं, वेरी नाइस। मन का मौन, मुख का मौन, मोबाइल का मौन।